दुश्मनी खत्म, लड़ाई खत्म, जंग खत्म, दोस्ती कर लेते हैं, की ख्याल है तेरा? है ना, साथ ही रहना है सब, पूरा जो महिला है ना, फैमिली फैमिली। पुपो, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश, और आपके लिए और हामिद भाई के फ्यूचर के लिए मैं बहुत दुआएं करती हूँ, बहुत सारी। अबे फरिया, मेरे हैं ना सारी की सारी खुशियाँ, तुम्हारे बगैर अधूरी है मेरी जान। तो मैं आपकी शादी में आ पाऊंगी? सच्ची पूछो तो यूसुफ भाई और बाबी अभी बहुत नाराज हैं, और साकिब, उसके गुस्से का तो तुम्हें अंदाजा है, वो तो मुझसे भी नाराज है, शादी में भी नहीं आ रहे दोनों। पर मैं ये ना हामिद से बात करती हूँ, आज तुझे है ना यहाँ देख के अरे मेरा जी खुश हो गया, मेरा दिल करे तुझे बाहों में समेट के अपने साथ वापस ले जा। एक बात बता, फरहाद तुझसे प्यार करता है ना? फरहाद मेरा बहुत ख्याल रखता है। श्रिया, उसको बोलो किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं, असल में बस जो जल्दबाजी में हमें मिला वो यही था, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं, हम शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी। मेरी एक बात याद रख, तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तू मुझे फोन करेगी, इन दोनों को नहीं। फ्रिया, खुद को कभी अकेला नहीं समझना, हम हैं ना तुम्हारे लिए। थैंक यू ज़ारा। ओ हाँ, मामा का फोन आ रहा है, हमें चलना चाहिए। चलो चलो जल्दी, हम फिर आते हैं ना, आएंगे। ये रख। नहीं नहीं हुक हुक, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मंदी बहस ना कर, पप्पू जरूरत पड़ जाएगी। पप्पू मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लेने, अपना ख्याल रखिए। अच्छा आप लोग थोड़ी देर तो रुके, मैं फरहाद को बुला कर लाती हूँ, उससे सही तरह बात भी नहीं की आप लोगों ने। आप नहीं फ्रिया, उनसे हम नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे, अभी हमें लेट हो रहा है। तुझे पता तो है पीछे क्या हो रहा होगा। ठीक, अभी क्या कब साथ लेके जाएंगे रे? चलो तो मैं रख देती हूँ। क्या काम था आपको? गान करने से आ रहा अंदर। आइए। इधर। वाह, घर पे तुमने बड़ा शोभा बना लिया, शानदार। बैठिए। बेटा आप बताएं। है डर मत, काटती नहीं आवर।
उस दिन की हरकत की वजह से ना शर्मिंदा माफी मांगने आई हूं, माफ कर देना। पता है बिल्कुल तेरी जैसी हूं, बल्कि तू मेरी जैसी है। आगा जी और मैं हम जब यहाँ आए कुछ नहीं था। आगा जी फैक्ट्री में काम करते सी ते मैं घर चला नहीं सी। घर चलाते चलाते सोचा कुछ और ही कर लिया तो कन जो लोग यहाँ रहते हैं ना इन्हों दे मसले मसाइल हल करती रही, बच्चों को पढ़ाती रही, कुछ ना कुछ करती रही। सोचा टाइम है तो कर लिया। करते करते एक दिन सब ने मिल जुल के ना मैनू बिल्डिंग की कमेटी का सदर बना दिया। ए वाह हाँ इज्जत दी है ना, पहचान सी बन गई, आदत सी हो गई। तू आई ना थोड़ी सी गड़बड़ हुई थे से डर लगना शुरू, लेकिन मैं आपसे ये सब कुछ छीनना नहीं चाहती। जानने आ जानने आ पहचान ना एक आदत बन जाती है। इस आदत को तोड़ने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। बस उसी हिम्मत की तलाश चा। दुनिया का यही निजाम है ना, किसी ना किसी ने तो आके आगे काम लेके बढ़ाना है ना। सारी जिंदगी तो मेरे साथ तो नहीं चले गए। खैर मैं समझती हूँ, समझती हूँ तेरे मसले मसाइल, परेशान ना हो। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है। मैं जाननी आ तेरा ये मकसद नहीं है। बड़ी सियानी है, अपनी जिंदगी बना लेगी, मकसद भी ढूंढ लेगी। मैं जाननी आ मॉडर्न जमाने की लड़की है ना, से हम जैसी तो नहीं ना, तो बस सोचा जाके गल कर लिया। दुश्मनी खत्म, लड़ाई खत्म, जंग खत्म, दोस्ती कर लेते हैं। की ख्याल है तेरा? है ना साथ ही रहना है, सब पूरा जो महल है ना फैमिली फैमिली। जा असल बात कहना ही भूल गई, अब से ना हर घर से ना 1,000 रुपया लेना है तूने। क्यों 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 क्या मतलब? तेरा ही तो आइडिया सी, कचरे की बाल्टियाँ चाहिए, चूहों दान चाहिए, सफाई चाहिए, सब करने के लिए खर्चा तो लगेगा ना। अब ये जिम्मेदारी तेरी, सब तो कह देंगे कि इतनी बेहतरीन तब्दीली तेरी वजह से आएगी, खुश हो जाएंगे सारे। खाली हाथ आई, सॉरी।